24 कापू के एक मंदिर में एक अर्धविक्षिप युवक द्वारा गंदगी करने के मामला को लेकर मचा बवाल। सूत्रों की माने तो घटना के बाद गुस्साए लोगों ने चक्का जाम कर अपना विरोध जताया। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पुलिस प्रशासन हाय है के नारे भी लगाए। हालांकि बाद में कापू पुलिस के लंबी समझाइश के बाद लोग शांत हो गए। मंदिर में एक अर्धविक्षिप युवक द्वारा गंदगी करने के मामला को लेकर मचा बवाल। सूत्रों की माने तो घटना के बाद गुस्साए लोगों ने चक्का जाम कर अपना विरोध जताया। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पुलिस प्रशासन हाय हाय के नारे भी लगाए। हालांकि बाद में कापू पुलिस प्रशासन की लंबी समझाइश के बाद मामला शांत हुआ। घटना की संक्षिप्त जानकारी के मुताबिक बीती रात कापू बस स्टैंड समीप स्थित शिव मंदिर में स्थानीय अर्धविक्षिप्त युवक ने शौच कर दिया। सुबह भक्त जन पूजा के लिए मंदिर पहुँचे तो मंदिर में गंदगी मल मूत्र देख कर हैरान परेशान हो गए और यह बात पूरे क्षेत्र में आग की तरह फैल गयी। इस घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन शुरू कर अपनी नाराजगी जाहिर करने लगे और तत्काल एफआईआर की मांग करने लगे। जिला पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचे लोगों को शांत कराया। मामला धर्म आस्था से जुड़े होने के कारण काफी देर तक काबू में तनाव की स्थिति निर्मित रही। हालांकि प्रशासन की मुस्तैदी से स्थिति को काबू में कर लिया गया। फिलहाल अर्धविक्षिप्त युवक को हिरासत में लेकर कापू थाने में रखा गया है। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट।